मैं बात कर रहा हूँ जापान के अमामी ओसीमा आइलैंड के आसपास पाए जाने वाले पफर फिश की, जो फीमेल मछलियों को इंप्रेस करने के लिए समंदर के रेत में बेहद खूबसूरत मंडाला कलाकृतियां बनाते हैं। अपने से 10 गुना से भी ज्यादा बड़ी कलाकृति ये 7 से 9 दिनों तक लगातार 2400 घंटे मेहनत करके बनाता है। अपनी ताकत और मेहनत सिर्फ इस उम्मीद में दिखाता है कि बस कोई फीमेल पफर फिश उससे इंप्रेस हो जाए। पापा बोला इंजीनियरिंग करने जाना है, पापा ने मना कर दिया। मैंने कहा ये तो पॉसिबल है नहीं, अब रीजन बताओ। पापा कहते हैं भैया मिडिल क्लास फैमिली है, 2 तेरी बहने है यार, शादी भी करनी है उनकी, और तू इकलौता है, और शॉप पे कौन बैठेगा? मुझे जाना है एनी हाउ, मेरे ड्रीम्स है, मेरे फ्यूचर है। एक काम करते हैं, एजुकेशनल लोन लेते हैं। दूसरे जब पूरे कागज लेके आ गया, उनके टेबल पे रखा, तो पापा बोलते हैं भैया मैं साइन नहीं करूंगा। 12 बजे तक बहस हुई, तो फिर पापा ने फाइनली साइन किए। अब एक इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ आपको। एक तरफ एक हाथ में मेरा 41,000 रुपीज का फीस का चेक था, दूसरी तरफ ना सूरतगढ़ से जयपुर जाने वाली बस की टिकट थी। पापा बोलते हैं कि अभी भी सोच ले, इंजीनियर कुछ नहीं कर सकता, अभी तू चला गया तो पूरे 41,000 रुपए का नुकसान हुआ, अगर नहीं जाएगा तो सिर्फ 150 रुपए का नुकसान हुआ। तो मैंने मेरे पापा को कहा था कि मैंने एक बार डिसाइड कर लिया है, मुझे अब जाना है। तो मेरे पापा ने मुझे रिप्लाई किया था कि आज के बाद तेरे लाइफ के डिसीजन तेरे हैं, मैं आज के बाद कभी इंटरफेयर नहीं करूंगा। पापा को अभी शिकायत का मौका दिया ही नहीं मैंने।